हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेजर बॉय। तो आज की वीडियो में पहली अपडेट हमारी डकी भाई से रिलेटेड है। तो डकी भाई ने रिसेंटली अपने व्लॉग की टाइमिंग भी चेंज कर दी है, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने अपने इंस्टा में अपडेट भी कर दिया है। क्योंकि सीन ये है कि भाई, जैसे कि तुम लोगों को मैंने कहा था कि यार मैं व्लॉग 3 बजे या 6 बजे डाला करूंगा, ठीक है, रात को नहीं। तो वैसे मेरा एडिट हो गया, लेकिन अब मैं डालूंगा 3 बजे, ताकि हमारी ड्यूटी नहीं 3 बजे की हो सके। हम लोग डेली व्लॉगर अभी भी हैं, ठीक है। सिर्फ लेके मैं कल 3 बजे डालूं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग डेली व्लॉगर अब नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 वीडियो डालेंगे, टेंशन नहीं। और इसके अलावा गाइस, डकी भाई और नदीम नानी वाला PSL का मैच देखने जा रहे थे, एंड वहां पे उनके साथ एक सीन हुआ जिसकी वजह से उनको वहां से धक्के मार के निकाला गया। तो वहां से आने के बाद डकी भाई ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका सबसे बुरा दिन गुजरा है। सो इस बारे में एग्जैक्टली क्या कहे, आप उनकी इंस्टा स्टोरी देख लें। कसम से मैं ये ड्रामे नहीं कर रहा, आज का दिन शायद मेरे पिछले 4 साल यूट्यूब के दिन के सबसे सबसे घटिया दिन होगा। सबसे जलालत जो हुई है ना, वो आज के दिन हुई है। और इसके अलावा डकी भाई ने अपने इंस्टा पे एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सारा सीन नदीम नानी वाले की वजह से हुआ है। सो आप वो वीडियो भी देख लें। नदीम नानी वाला PSL वालों से जलील होते हुए धक्के खा के पुलिस वालों से गालियां सुन के वापस आते हुए कैसा लग रहा है नदीम भाई? 10 मिलियन फॉलोअर्स होने का फायदा ये 10 मिलियन फॉलोअर्स होने का फायदा टिकटॉक पे ये तुम्हारा 10 मिलियन फॉलोअर्स की औकात है? कोई मसला नहीं नदीम भाई, आज आपको मैं मसाज दूंगा फ्री में, ठीक है भाई। देखो सब कुछ अच्छा जा रहा था, हम लोग अंदर जा सकते है, अंदर बल्कि जाने ही वाले थे, तो मसला ये हुआ कि इसने मास्क उतार दिया और जितने भी लोग थे वहाँ पे सिक्योरिटी, उन्होंने धक्के मार के इसको बाहर निकाल दिया। उनको पता लग गया कि मैं इसके साथ हूँ, मुझे भी उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो आज के बाद हम लोग जो है इसको मैच भी नहीं लेके जाएंगे। तो इसी चीज पर रिया करते हुए नदीम नानी वाले ने भी इसे इंस्टा पे शेयर करते हुए कहा कि बाज आ जाओ डकी भाई, तुम्हारी वजह से सबको धक्के मार के निकाला गया, क्या जरूरत थी तुम्हें खुद यूट्यूबर बोलने की, शुक्र करो मेरी वजह से बच गए। एंड इसी तरह ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे थे। वेल, आपको क्या लगता है इसी बारे में? नदीम नानी वाले ने भी लोगों से पूछा कि भाई आप लोग खुद फैसला कर दो उनकी लास्ट वीडियो देख कर कि कौन गलत था और कौन सही। और इसके अलावा नदीम नानी वाले ने भी अपनी लास्ट एक वीडियो अपने इंस्टा में अपलोड की है, सो वो वीडियो भी आप देख लें। इस बंदे की वजह से आज हम अंदर नहीं जा सके, और हमने अंदर जाने की बड़ी कोशिश की, पीके ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन जब इसने कहा ना मास्क नीचे करके कि मैं यूट्यूबर हूँ, हमें फिर धक्के मार के निकाला गया। इतने धक्के मारे गए, अल्लाह की कसम उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, इतने धक्के मारे गए हैं। और बेचारे पीके को भी बहुत धक्के पड़े। पीके भाई कोई मसला नहीं, आप ही पाकिस्तानी, धक्के खाना काम है हमारा, घबराना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं भूमिया पाजी के बारे में। तो रिसेंटली भूमिया पाजी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो हनी सिंह और गुरु रंधावा के साथ एक लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। सो मे बी ये शायद इनके अपकमिंग ट्रैक जो कि गुरु रंधावा का और भूमिया पाजी का आने वाला है, उसके बारे में हो सकती है, या फिर फ्यूचर में शायद भूमिया पाजी की एल्बम के बाद आपको हनी सिंह के साथ भी इनका कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। वेल, आपको क्या लगता है, लेट नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा भूमिया ने हनी सिंह की कॉन्सर्ट की प्रमोशन करते हुए भी अपनी इंस्टा में से शेयर करते हुए कहा कि ऑल द बेस्ट टू माय ब्रदर। और इस पर रिया करते हुए हनी सिंह भी से रीशेयर करते हुए कहे कि लव यू पाजी। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले उस्मान BRB के बारे में। तो एज यू नो गाइस कि उमर अंजुम का एक ट्रैक आया था चैंपियन, और इसमें कुछ बार्स भी थे उस्मान BRB के लिए, जिस पर रिया करते हुए उस्मान BRB कहे कि मेहनत से आगे आना और उठा के मुंह में लेके बाप बना के शॉट आउट लेने में बहुत फर्क है, अगली बार डिस नाम लेके करना फिर बिना बताए गुलाबी जी फाड़ दी जाएगी। और साथ में उन्होंने उमर अंजुम और सैविज दोनों को टैग भी किया। सो अभी इस पे उमर अंजुम का कोई रिएक्शन तो नहीं है, बट क्या लगता है आपको, क्या उमर अंजुम इस पर रिप्लाई करेंगे, यानी लेट नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ। तो हम बात करने वाले उमर अंजुम के बारे में। तो भाई उमर अंजुम का भी एक अगला ट्रैक लूजिंग कंट्रोल आने वाला है, जिसका उन्होंने छोटी सी स्निप शेयर करते हुए कहा कि लूजिंग कंट्रोल कमिंग सून। सो आप छोटी सी स्निप भी सुन ले कि एग्जैक्टली उमर अंजुम क्या शेयर किए। मजा भी तेरा भी कटेगा, शादी है चौड़ी में लौटा कर रांची का, हल्के में लेगा तो मरेगा, बेबूटे तेरी सिर्फ उस गली तक ले डूबे सीन, डोंगरी से दुबई तक टूर है बना, हवा में हेलीकॉप्टर इन सारों की खबर ये पहुंची जब मर्दों वाले वो कल माइक है मैनली। कौन कौन एक्साइटेड है उमर अंजुम के अपकमिंग ट्रैक के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ न्यू सॉन्ग्स अपडेट्स की तरफ। तो गाइस, आई स्मोक का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, जिंदगी से मौत तक। और इसके अलावा गाइस, अब्दुल्ला हाशमी का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है सजा। और इसके अलावा DGP असद सदीकी का भी एक न्यू ट्रैक आ चुका है, ट्रैक का नेम है तलब, और इस ट्रैक में उनके साथ फीचर्ड है ब्लैक हार्ट। तो अगर आप लोगों ने सारे ट्रैक सुने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप ट्रैक सुन सकते हैं। एंड यस, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो भाई बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक ड्रामे अपने वीडियोस में कवर करता रहता है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना, टिल द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आउट, अल्लाह हाफिज़।